सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। ITR फाइल करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की तो 10 इनकम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। अगर आपकी इनकम यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा आ रही है, स्लैब रेट हायर स्लैब में अगर आप आ रहे हैं तो ये इनकम टैक्स सेविंग ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो आपकी यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी और आप यहाँ पर स्लैब रेट भी आपकी कम हो सकती है अगर आप यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए यहाँ पर क्या यहाँ पर इनकम टैक्स सेविंग ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, आइए हम आपको बताते हैं। तो इनकम टैक्स बेनिफिट यहाँ पर दिए हैं तो 10 बड़े बेनिफिट हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। सर सबसे पहले बता देते हैं सर PPF के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है जो यहां पर रिटायरमेंट फंड के लिए ये अवेलेबल किया गया है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो यहां पर सीधा सीधा सेक्शन 80C के अंदर आप यहां पर 1.5 लाख का बेनिफिट ले जाएंगे। यानी अगर आपकी यहां पर इनकम हुई 6.5 लाख रुपए सर, तो 1.5 लाख अगर इसमें से माइनस कर दे यानी 5 लाख की अगर आपकी इनकम है और अगर आप इंडिविजुअल है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी सर क्या, निल हो जाएगी। आप सभी को पता है 87A का जो रिबेट है वो यहां पर अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो आपको 87A का रिबेट यहां पर मिलता है। बट एक इसमें एक यहां पर एक दिक्कत आती है, अगर आप PPF में निवेश करते हैं तो 15 साल तक यहां पर आपका लॉक इन पीरियड रहता है। आप यहां पर PPF में कंटिन्यू और एडिशनल 5 साल का और यहां पर स्कीम में और ऑप्ट कर सकते हैं। तो PPF के अंदर यहां पर 15 साल का लॉक इन पीरियड है तो यह मान के चलिए कि अगर आप जो निवेश कर रहे हैं वो यहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर 15 साल के लिए ब्लॉक होने वाला है फंड। अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो आप निवेश कर सकते हैं, 1.5 लाख तक की आपको छूट मिलेगी इनकम टैक्स के अंदर यहां पर 80C के अंदर। सर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम की बात कर लेते हैं जो यहां पर गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो यहां पर रिटायरमेंट फंड के लिए दी गई है। यहां पर जो है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों इंप्लॉय यहां पर निवेश कर सकते हैं Tier 1 Tier 2 के अंदर। मिनिमम निवेश यहां पर Tier 1 के अंदर आपको 500 रुपया करना होगा और यहां पर Tier 2 के अंदर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना 1000 रुपया कर सकते हैं। इस स्कीम के भी थ्रू आप यहां पर जो है 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 1.5 लाख तक का आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। उसी के साथ आपका जो इंटरेस्ट है वो भी अगर जो आपका अक्यूड होता है तो वो भी यहां पर आपका जुड़ जाएगा, वो भी आपको जो इन्वेस्टमेंट में यहां पर 1.5 लाख में बेनिफिट दे जाएगा सर। तो NPS में अगर आप करते हैं तो आप यहां पर 1.5 लाख की छूट पा सकते हैं 80C के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप खुद पे, अपने स्पाउस पे, अपने बच्चों पर यहां पर जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, निवेश करते हैं तो 1.5 लाख तक का इनकम टैक्स यहां पर आपको छूट देता है सेक्शन 80C के अंदर। उसी के साथ साथ आप ULIP के अंदर निवेश करते हैं तो भी आपको यहां पर जो है 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा सर। तो 1.5 लाख का बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेते हैं। अगर आपको लगता है कि यहां पर आपको निवेश करना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर तो ध्यान रखिएगा कि आप जितना प्रीमियम पेड करते हैं तो उस प्रीमियम का आपको छूट मिलती है, 1.5 लाख तक की आपको यहां पर इनकम टैक्स में मिल जाएगी सर। बात करते हैं ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये स्कीम रिलेटेड है म्यूचुअल फंड से। आपको यहां पर जो लॉक इन पीरियड 3 साल के लिए जाना पड़ेगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है 3 साल के लिए यहां पर लॉक हो जाएगा। बट आपको यहां पर जो है बेनिफिट दिया जाएगा सर 1.5 लाख तक का। सर 1.5 लाख तक का आप अगर ELSS के अंदर निवेश करते हैं तो आपको यहां पर जो है इनकम टैक्स में 80C के अंदर बेनिफिट दे जाएगा सर। अगली बात कर लेते हैं सर फिक्स्ड डिपॉजिट। मोस्टली यहां पर जो टैक्स पेयर ऑप्ट करते हैं सर फिक्स्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट जो नॉर्मली 5 साल का यहां पर प्रीमैच्योर रहता है, आप विड्रॉल नहीं कर सकते 5 साल तक, आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो यहां पर आप 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट ले सकते हैं, इनकम टैक्स के अंदर छूट ले सकते हैं 1.5 लाख तक की। नेक्स्ट आ जाते हैं बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपकी एज 60 से ज्यादा है। यहां पर इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा सर, 7.4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। प्री मेच्योर विड्रॉल भी आप यहां पर कर सकते हैं, 1.5 लाख तक की आपको यहां पर छूट मिल सकती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं बात कर लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। अगर आप यहां पर निवेश करते हैं 5 साल का यहां पर टेन्यूर है, यहां पर जो है निवेश अगर आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब आप मैच्योरिटी होगी आप वापस इसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं स्कीम के अंदर और 1.5 लाख तक का आपको बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 80C के अंदर। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सेक्शन 80C के अंदर यहां पर आप कर सकते हैं, 7th इश्यू के अंदर यहां पर जो है आप निवेश कर सकते हैं सर। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर। आप अगर
आप आते हैं तो गर्ल चाइल्ड को यहाँ पर आप अगर गर्ल चाइल्ड के लिए रिगार्डिंग अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर सेविंग करते हैं गर्ल चाइल्ड के अकाउंट बनाकर अगर आप यहाँ पर जो है निवेश करते हैं तो यहाँ पर 1.5 लाख तक का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है सर एक सेक्शन 80C के अंदर। तो अगर आपकी कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए आप यहाँ पर जो है अकाउंट खुलवा सकते हैं बैंक के अंदर जाकर, और यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर स्कीम के तहत आप यहाँ पर जो है हर महीने या हर साल के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। 1.5 लाख का आपको पूरे साल का आपके इनकम में से यहाँ पर जो डिडक्शन आपको मिल जाएगा 80C के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते सर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की सेक्शन 80D बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको रिबेट मिल जाती है सर 80D के अंदर। यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप लेते हैं 25,000 का आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा खुद के लिए, स्पाउस के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए। अगर आप पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो यहां पर आपको 50,000 का मिल जाएगा। अगर आप खुद सीनियर सिटीजन है तो भी आपको यहां पर 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो आप खुद के लिए लेते हैं तो 25,000 का, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो 50,000 यानी मैक्सिमम आपको 75,000 का यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप खुद के लिए और पेरेंट्स के लिए लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कैश में आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेक कब यहां पर 5,000 तक अलाउड है। उसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर अगर निवेश करते हैं तो भी यहां पर आपको मिल जाएगा। HUF को भी यहां पर इंडिविजुअल HUF दोनों को यहां पर बेनिफिट मिलेगा। HUF को अगर मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हैं तो वहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। अगर सिर्फ मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं सीनियर सिटीजन पे बट मेडिक्लेम प्रीमियम पेड नहीं किया तो भी यहां पर आपको 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। सर बात कर लेते हैं सर होम लोन की, इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं 80C के अंदर तो यहां पर होम लोन के लिए आपको 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर आप खुद पे और अपनी वाइफ के नाम पर जॉइंटली यहां पर घर लेते हैं दोनों के अंदर यहां पर आपको 1.5 लाख का डिडक्शन यहां पर मिल जाता है। तो यहां पर होम लोन जब भी ले तो जॉइंटली लीजिएगा ताकि आपको दोनों में अगर रिपेमेंट हो रहा है तो दोनों की इनकम में यहां पर जो 1.5 लाख का आपको बेनिफिट मिलता है सर। उसी के साथ साथ यहां पर एडिशनल आपको 2 लाख तक का सेक्शन 24B के अंदर यहां पर आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट का। जो भी आप इंटरेस्ट जो पेड करेंगे 2 लाख तक का मैक्सिमम मिलेगा, बिकॉज सेट ऑफ 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज सेट ऑफ अगेंस्ट द लॉस ऑफ अदर इनकम यहां पर अलाउड नहीं की गई है। एक और यहां पर बेनिफिट दिया गया होम लोन के लिए, अगर आप फर्स्ट होम बायर हैं तो यहां पर एडिशनल रिबेट आपको 50,000 का मिल जाता है सर। अगर आपका लोन अमाउंट 35 लाख है और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 50 लाख है तो उस केस में आप 50,000 का और एडिशनल ले सकते हैं। जो यहां पर 2 लाख हमने आपको बताया और 80C के अंदर बताया उसके अलावा एडिशनल अगर आप होम लोन लेते हैं तो यह भी बेनिफिट यहां पर आपको दिया गया है इंटरेस्ट पे सर। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स के अंदर आपके पास 10 बड़े बड़े ऑप्शन है, इनके अलावा भी और बहुत सारे डायरेक्शन है जो आपको मिलते हैं इनकम टैक्स के अंदर, जो हम आपको कभी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ 10 पॉइंट को हमने कवर किया है। तो ये 10 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे म्यूचुअल फंड को लेकर हो, LIC को लेकर हो या फिर होम लोन को लेकर हो, सीनियर सिटीजन स्कीम को लेकर हो, PPF को लेकर हो, NSE को लेकर हो या फिर फिक्स डिपॉजिट को लेकर हो। इन सभी के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो आपको यहां पर 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। उसके अलावा जो 80D के अंदर आपको 25,000 और 50,000 की छूट मिलती है, होम लोन के अंदर आपको यहां पर 1.5 लाख रीपेमेंट के लिए मिल जाती है सर। तो ये सभी सेक्शन के अंदर आपको पास टैक्स सेविंग की बहुत ज्यादा यहां पर जो दिक्कत अगर आपको आती है टैक्स सेव नहीं कर पाते तो इनमें अगर आप निवेश करते हैं तो आप आसानी से टैक्स बचा सकते हैं सर। 6.5 लाख पर अगर आप टैक्स देंगे सर, 6.5 लाख की आपकी इनकम है तो 6.5 लाख पर अगर आप टैक्स देते हैं सर तो यहां पर 12,500 5 लाख पर हो जाएगा सर। और 1.5 लाख पर आपका 20% सर, 1.5 लाख पर आपका 20% यानी 30,000 यहां पर और बन जाएगा, यानी यहां पर आपका कितना होगा सर 42,500 का टैक्स होगा। ये पूरा का पूरा टैक्स आपका बच सकता है अगर आप सिर्फ 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बिकॉज अगर आप 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देंगे यानी इसमें से 1.5 लाख कम हो गया सर, आपकी इनकम कितनी आ गई सर 5 लाख आ गई, तो 5 लाख पर आपका हो जाएगा नील, 12,500 का आपका टैक्स रिबेट मिल जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी नील भी कर सकते हैं। वीडियो बनता है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।